भले ही अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन अगले साल होगा, लेकिन उससे पहले कोलकाता में उसी थीम पर बनाए गए दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह आज करने वाले हैं। इसके लिए संतोष मित्रा स्क्वायर पूजा समिति के आयोजकों ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है और इस बार पश्चिम बंगाल के कलाकारों ने पंडालों में विश्व कप के थीम को भी उकेरा है। बंगाल की दुर्गा पूजा अपनी थीम के लिए विश्व प्रसिद्ध है। देश और दुनिया के लोग यहां पंडालों की सजावट देखने आते हैं। कोलकाता की लाइफलाइन रही ट्राम सेवा इस वर्ष अपनी 150वां वर्षगांठ मना रही है और इस बारे में संतोष मित्रा स्क्वायर पूजा समिति के अध्यक्ष सजल घोष ने कहा कि भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है। हम पूरी तैयारी के साथ गृह मंत्री अमित शाह का इंतजार कर रहे हैं। लोगों में भी भारी उत्साह है और इसरो के वैज्ञानिकों के सम्मान में दुर्गा पूजा पंडाल को चंद्रयान-3 का रूप भी दिया गया है। इसमें मां दुर्गा की प्रतिमा को चंद्रयान-3 के लैंडर विक्रम पर विराजमान दिखाया गया है। इसके अलावा पंडाल में प्रज्ञान रोवर के भी मॉडल्स को प्रदर्शित किया गया है। इसी तरह से कोयम्बटूर में भव्य आदि योगी के तर्ज पर आतपुर एक्साइट फैक्ट्री के पास मैदान में 80 फुट की प्रतिमा आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। वहीं कोलकाता में साउथ दमदम में श्री भूमि स्पोर्टिंग क्लब ने अपने पंडाल में पेरिस के डिज्नीलैंड को जीवंत करने का कार्य किया है। मध्य कोलकाता में प्रसिद्ध कॉलेज स्क्वायर पूजा भी अपनी रोशनी के लिए प्रसिद्ध है और इस पंडाल की थीम मैसूर पैलेस पर आधारित है। इसके अलावा दुर्गा पूजा पंडालों में डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल कर गुजरात का प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर, जोधपुर संग्रहालय, लंका कांड, बनारस के गंगा घाट को जीवंत किया गया है। वहीं यूपी में भी माँ दुर्गा का एक अनन्य भक्त आजकल खबरों में छाया हुआ है, उनके बारे में आपको बताते हैं। औरैया जिले में दिव्यापुर थाना क्षेत्र के गांव हरराजपुर निवासी मुस्लिम समाज के खलील अहमद पिछले 5 सालों से माता रानी की सेवा कर रहे हैं। हर साल माता की स्थापना कार्यक्रम में पूरे मन से यह हवन पूजा अर्चना में लगकर लोगों के साथ पूजा करते हैं और एक मिसाल बन गए हैं। खेती किसानी से परिवार का भरण पोषण करते हैं। हरराजपुर निवासी खलील माता की आस्था से चढ़कर पूजा अर्चना में भाग लेते हैं और खलील का कहना है कि मुस्लिम समाज के होने के नाते उनमें अपने धर्म के प्रति भी पूरी आस्था है। वो कहते हैं कि हर साल नवरात्र आते ही वो सब कामकाज भूलकर माता की सेवा में जुट जाते हैं। उनका कहना है कि 2400 आबादी के इस गाँव में उनका एक अकेला घर है जो मुस्लिम परिवार है। माता रानी की कृपा का परिणाम है कि नवरात्र के दिन आते ही तन मन धन से पूरी निष्ठा से वो पूजा पाठ में जुट जाते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे इस काम से पूरे गांव का मुझे सहयोग मिलता है। यदि आगे आने वाली पीढ़ी ऐसे ही साथ देती रहेगी तो जिंदगी भर माता की सेवा में लगा रहूँगा। मेरा दिल हो जाता है कि मैं इसी तरीके से पूजा पाठ में जुटा रहूँ और माथे पर रोली टीका और दिलो दिमाग में माता की आस्था लिए। खलील का कहना है कि गांव के लोग धार्मिक कार्यक्रमों में पूरे सम्मान के साथ मुझे शामिल करते हैं। गांव के लोग यहां हवन और अनुष्ठान भी कराते हैं तो मुझे ज़रूर शामिल करते हैं, इससे मेरा दिल गदगद हो जाता है। तो हिंदू मुस्लिम एकता की भी एक मिसाल इस गाँव ने पेश की है। त्यौहार मिलजुल के मनाते हैं और खलील तो माता रानी के अनन्य भक्त भी हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।